अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर जारकुताई एक कुएं के साथ खड़े होकर जेल वाले पिंजरे को देख रहा था। इसी दौरान जारकुताई को कुछ पुराने ख्यालात भी आते हैं। इस किस्त के आगाज़ में आयगुल जारकुताई के पास आती है और उसे फ़िक्रमंद देखकर कहती है, क्या बात है जारकुताई, जब से हमने उस मंगोल को पकड़ा है तुम कुछ अजीब हरकतें कर रहे हो। जारकुताई कहता है, सुराग रसानी के दौरान मुझे अपना बचपन याद आ गया। आयगुल कहती है, तुम्हें अपना बचपन याद आ गया या तुम्हें बालगाय के साथ मिलकर लड़ने वाले दिन याद आ गए। ये सुनकर जारकुताई अपना मुंह दूसरी जानिब कर लेता है तो आयगुल कहती है, तुम खामोश क्यों हो, क्या तुमने अपनी ज़बान निकल ली है। जारकुताई गुस्से से कहता है, मैं गीदड़ों के साथ बड़ा हुआ हूँ और गीदड़ों पर काबू पाना आसान नहीं है। जंगल मुझे बुला रहा है, मेरे दिल में आवाज़ें आ रही हैं, आ जाओ जारकुताई आ जाओ। ये सुनकर आयगुल पूछती है, तो क्या फिर तुम जंगल में वापस चले जाओगे। जारकुताई कहता है, अगर कोई कहे कि जारकुताई ने सबको बेवकूफ़ बनाया है तो क्या तुम यकीन कर लोगी आयगुल। जारकुताई कहता है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा पागल लड़की। मगर जारकुताई को जंगल बहुत याद आ रहा है। ये सुनकर आयगुल एक पानी का प्याला उठाती है और पानी को जारकुताई के मुंह पर उंडेल देती है। आयगुल कहती है, तुम जंगल में जा सकते हो। ये कहकर आयगुल वहाँ से चली जाती है तो जारकुताई कुएँ के साथ टेक लगाकर नीचे बैठ जाता है। दूसरी तरफ उमर बे की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। उमर बे अपनी बेटी मलून खातून से कहता है, तुम मेरे इल्म में लाए बगैर तो गाय के पीछे कैसे जा सकती हो, क्या मैं मर गया हूँ बेटी। मलून कहती है, आप उस वक्त फैसला करने की हालत में नहीं थे बाबा। उमर बे बहादुर से कहता है, और तुम इसको कैसे जाने दे सकते हो, मेरी अकलौती बेटी उस जलील कुत्ते के पीछे अकेली चली गई और तुम लोगों ने उसे रोका तक नहीं। मलून कहती है, इनका कोई कसूर नहीं है बाबा, इन्होंने मेरे हुक्म की तामील की है। अगर उस्मान साहब ना छुपाते कि वो तो गाय के पीछे गए हैं तो मैं कभी तो गाय के पीछे न जाती। ये सुनकर उमर बे कहते हैं, उस्मान साहब अच्छी तरह जानते हैं कि क्या छुपाना है और क्या बताना है। फिर उमर बे बहादुर से पूछते हैं, क्या तो गाय का कोई सुराग मिला। बहादुर कहता है, उस्मान साहब के एक सिपाही ने मंगोल जंगजू को पकड़ा है हजूर, मगर वो अभी तक कुछ नहीं बोला। उमर बे बहादुर के पास आते हुए कहते हैं, वो बोलेगा, ज़रूर बोलेगा। उमर बे बहादुर को हुक्म देते हुए कहते हैं, हमारे कुछ सिपाही आ रहे हैं, उन्हें आबादकारी में आबाद करो और उनकी सलामती को यकीनी बनाओ। इसके बाद उमर बे अलाजा खातून से कहते हैं, आप कबीले में मेरी आंखें और कान बंद कर रहेंगी। ये सुनकर अलाजा कहती है, आप फिक्र ना करें हजूर, मैं हर चीज़ पर नज़र रखूंगी। उमर बे कहते हैं, आप मुझे कुछ देर मेरी बेटी के साथ अकेला छोड़ दें। ये सुनकर अलाजा और बहादुर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उमर बे और मलून खातून नशिस्त पर बैठ जाते हैं। उमर बे एक सेब काटते हैं और सेब का एक हिस्सा मलून को भी देते हैं। इसके बाद उमर बे दुनदार की अंगूठी निकाल कर कहते हैं, ये अंगूठी उसकी है जिसने कबीले के गद्दार कुम्हार को मारा। ये अंगूठी उस शख्स की है जिसने दुश्मनों को जिरगे की इतला दी और हमारा खून बहाया। उमर बे मलून से कहते हैं, बेटी तुमने ये अंगूठी छुपा कर अच्छा किया, अगर गद्दार उस्मान का कोई बहुत करीबी है तो उस्मान उस पर रहम कर सकता है, इसीलिए हम उस्मान से पहले उस गद्दार को पकड़ेंगे और उससे अपना हिसाब किताब लेंगे। दूसरी तरफ दुनदार बहुत गुस्से में इधर उधर टहल रहा था। इसी दौरान हज़ल खातून वहाँ आती है और दुनदार से कहती है, क्या बात है दुनदार साहिब, आप जिस रफ्तार के साथ चल रहे हैं उससे तो ये कालीन फट जाएगा। दुनदार कहता है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ खातून, उस्मान के दुश्मन आज से पहले इतने बड़े नहीं थे। हज़ल मुस्कुराते हुए कहती है, उस्मान अंदर और बाहर दोनों इतराफ़ से घिर चुके हैं। हज़ल दुनदार को बताते हुए कहती है, मलून खातून ने बाला खातून को वाज़ह तौर पर बहुत परेशान किया हुआ है, आज शफा वाले खेमे में वो मलून खातून के मरने की उम्मीद लगाई बैठी थी। दुनदार हज़ल खातून को पकड़ते हुए कहता है, ये वाज़ह है कि तुम्हारे दिमाग में कोई मनसूबा है। दूसरी तरफ उस्मान उमर बे के खेमे में आता है। उमर बे अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आपका यहाँ आना हमारे लिए शर्फ की बात है उस्मान साहिब। उस्मान कहता है, हमारे कबीले में आप मेहमान हैं और ये मेरे लिए शर्फ की बात है। इसके बाद वो सब नीचे बैठ जाते हैं। उस्मान उमर बे से कहता है, मुझे उम्मीद है कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उमर बे कहते हैं, आप बेहतरीन मेज़बान हैं, शुक्रिया। मलून कहती है, मगर उस्मान साहिब हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कबीले की इज़्ज़त को दागदार करने वाले गद्दार का पता चलेगा। उस्मान कहता है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं तो गाय और उसके नौकरों के सर एक एक करके लाऊंगा। उमर बे कहते हैं, जाहिर है आपका कोई हिसाब किताब है। उस्मान कहता है, मैं उनके खून से अपनी कीमत वसूल करूंगा। उमर बे कहते हैं, हम इन दूर दराज सरजमीनों में आपकी दावत पर आए हैं, हमारी ज़िंदगी जाने के करीब थी। उस्मान मलून खातून की तरफ देखता है और फिर कहता है, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें, गद्दार को पकड़ने वाली जिम्मेदारी हमारी है। उमर बे कहते हैं, हमें अपनी फिक्र नहीं है उस्मान, बल्कि अपने कबीले की फिक्र है। हमने तलवारें अपने लिए नहीं बल्कि अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए उठाई हैं। उस्मान कहता है, मैं जानता हूं कि आप कैसे गेहातू के ख़िलाफ़ साबित कदम रहे और आप लोगों ने हमारी इकदार की पासदारी रखी,
लेकिन जब मलून खातून ने मेरी बात नहीं मानी और अपनी मनमानी की तो आप जानते हैं उमर साहिब के क्या हो गया। उस्मान कहता है, मेरी हुक्मरानी में मेरे इल्म में लाए बगैर मैं किसी को कोई काम करने की इजाज़त नहीं दूंगा और मैं इस तलखी पर आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। उमर बे कहते हैं, आपकी ज़मीन आपकी दावत, लेकिन मेरा कबीला और मेरे लोग उस्मान साहिब। उस्मान मलून से कहता है, मलून खातून अपने बाबा को अकेला मत छोड़ें और उनके साथ रहें। ये कहकर उस्मान खड़ा हो जाता है और फिर अपने सीने पर हाथ रख कर वहाँ से चला जाता है। इधर बाला अपने खेमे में सो रही थी, इसी दौरान उस्मान भी अपने खेमे में आ जाता है। अंदर आकर उस्मान बाला के पास आता है तो बाला की आँख खुल जाती है। उस्मान बाला के पास बैठता है तो बाला कहती है, मेरी आँख लग गई थी। उस्मान कहता है, मतलब तुम थक गई हो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो बाला। उस्मान बाला को सीने से लगाते हुए कहता है, तुमने हमारे मेहमानों की तमाम ज़रूरियात को पूरा किया बाला, और तुमने हमारे नाम के मुताबिक मेज़बानी की। बाला कहती है, अगर उन्हें कोई शिकायत नहीं है तो मैं खुश हूँ। उस्मान कहता है, हम मुश्किल दिनों से गुजर रहे हैं, एक काई सरदार और एक काई खातून का एक इम्तिहान ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, और इसी वजह से तुम दब जाती हो बाला और मुझसे शिकायत करती हो। उस्मान कहता है, तुम ये ना समझना कि मैं तुमसे नाराज़ हूँगा और तुम्हें कसूरवार ठहराऊँगा। उस्मान कहता है, बाला मैं तुमसे एक बार फिर वसत नज़र चाहता हूँ। बाला कहती है, हुक्म करें उस्मान। उस्मान कहता है, मेहमानों को समझने की कोशिश करो, उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और वो यहाँ आए, वो एक वतन के मुंतज़िर हैं और वो पहले ही से हमारे दुश्मनों का निशाना बन चुके हैं। वो हम पर शक करेंगे और उनका शक करना बनता भी है, वो हमारे फ़ैसलों में मुदाखलत भी करना चाहेंगे। उस्मान कहता है, बाला परचम बुलंद करने वाले हम हैं और उस परचम तले सब को जमा करने वाले हम ही हैं, यकीनन हमें बड़ा पान दिखाना होगा। दूसरी तरफ गेंजी बे मंगोल कमांडर सौजी की हिफाजत कर रहा था। इसी दौरान जारकुताई वहाँ आता है और अपना खंजर गेंजी बे के पेट में घोंप देता है। गेंजी बे हैरानी से जारकुताई की तरफ देखता है और फिर तड़पते हुए नीचे गिर जाता है। जारकुताई मंगोल कमांडर सौजी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं अपनी जान का बदला चुकाने आया हूँ। ये कहकर जारकुताई गेंजी बे के जेब से चाबी निकालता है और फिर जेल वाले पिंजरे का ताला खोल देता है। जारकुताई सौजी के पास आता है और उसे आज़ाद कर देता है। सौजी कहता है, मैं जानता था तुम अभी भी एक मंगोल हो। फिर जारकुताई सौजी को जेल वाले पिंजरे से भगा देता है। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। तमाम सिपाही उस्मान के गिर जमा थे। गेंजी बे उस्मान को बताते हुए कहता है, जारकुताई ने मुझे धोखा दिया और मुझे खंजर मार दिया, उसे तलाश करके उसको गद्दारी की सज़ा देना मुझ पर फ़र्ज है हजूर। उस्मान कहता है, उसने हम सब को धोखा दिया है। गुंदूस कहता है, हम ये समझ रहे थे कि उसने तौबा कर ली है और वो मुसलमान हो जाएगा और एक तुर्क की तरह जिएगा। गुंदूस बामसी साहब को मुखातिब करते हुए कहता है, बामसी साहब इसी वजह से हम धोखे में आ गए। दुंदार मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहता है, हमारे उठाने वाले हर कदम की खबर काफिलों को पता चलने की वजह जारकुताई था, उस गद्दार की वजह से हमारे कितने ही लोग शहीद हुए हैं हजूर। बमसी साहब गेंजी बे के पास आकर कहते हैं, क्या तुमने सही तरह देखा था बेटा, क्या वो वाकई ही जारकुताई था। गेंजी बे कहते हैं, बमसी साहब अगर मुझे ज़रा भी शक होता तो क्या मैं जारकुताई का नाम लेता, मुझे पूरा यकीन है कि वो जारकुताई ही था। इसी दौरान आयगुल अंदर आती है और गेंजी बे से कहती है, क्या वो वाकई ही जारकुताई था गेंजी बे। गेंजी बे हाँ में सारे ला देता है। उस्मान आयगुल से पूछता है, मुझे बताओ आयगुल, क्या तुमने कुछ मशकूक देखा। इसी दौरान आयगुल को जारकुताई की वो बात याद आती है जब जारकुताई ने आयगुल से कहा था, मैं गीदड़ों के साथ बड़ा हुआ हूँ आयगुल, अब मुझे जंगल बुला रहा है। आयगुल उस्मान से कहती है, कल वो ऐसी बातें कर रहा था जैसे वो हम सब को अलविदा कह रहा हो। बमसी साहब पूछते हैं, उसने क्या कहा था बेटी, मुझे बताओ। आयगुल कहती है, उसने मुझसे कहा था कि अगर सब कहें कि जारकुताई ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया है तो तुम उनका यकीन कर लेना, मगर मैं बमसी साहब को कभी धोखा नहीं दूंगा। ये सुनकर बमसी साहब सोच में पड़ जाते हैं तो आयगुल कहती है, वो आपसे वाकई में बहुत प्यार करता था बमसी साहब। बमसी साहब गुस्से में आकर आयगुल से पूछते हैं, उसने हमारे साथ गद्दारी क्यों की। सारी बातें सुनने के बाद उस्मान को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उस्मान कुछ सोचने के बाद खड़ा हो जाता है और कहता है, अब बातें करने को कुछ नहीं रहा, हम उसे तलाश करके सजा देंगे। गेंजी बे कहता है, मेरा ज़ख्म शदीद नहीं है, मैं आप लोगों के साथ आऊँगा हजूर। आयगुल कहती है, मैं भी साथ चलूँगी हजूर। गुप्तो कहता है, मुझे भी इजाज़त दें हजूर। उस्मान कहता है, सब लोग मेरे साथ चलो। ये कहकर उस्मान और उसके सिपाही सरदारी खेमे से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अब्दुर्रहमान गाजी और गुंदूस बामसी साहब को हौसला देने लगते हैं। दूसरी तरफ जारकुताई और सौजी जंगल में अपने घोड़ों पर सफ़र कर रहे थे। एक जगह पर पहुंचकर वो रुक जाते हैं और जारकुताई अपनी पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगता है। सौजी जारकुताई से कहता है, तुमने एक सही मंगोल वाला काम किया है, अब तुम परेशान मत हो। जारकुताई कहता है, बड़ी मुश्किल के साथ मुझे एक घर मिला था और अब मैंने उसके साथ भी गद्दारी कर दी, अब मैं वहाँ वापस नहीं जा सकता, उस्मान साहब मुझे मार देंगे। ये सुनकर सौजी कहता है, वो तुम्हारा घर नहीं था, मेरे साथ आओ और अपने असल घर की तरफ लौटो तो गाय तुम्हारे जैसे अजीम जंगजू को कबूल कर लेगा।
जारगुताई कहता है वो मुझ पर शक करेगा। सोजी कहता है मैं उसके सामने वजाहत पेश करूंगा और कहूंगा कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा दिफा करूंगा जारगुताई। ये सुनकर जारगुताई सोजी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है चलो फिर चलते हैं। जारगुताई को भूख भी लग रही है, ये कहकर जारगुताई हंसने लगता है। सोजी कहता है तुम हर वक्त भूखे रहते हो। इसके बाद वो अपने घोड़े दोबारा आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ बाला और गुंचा कबीले में किसी काम के सिलसिले में कहीं जा रही थीं। गुंचा बाला से कहती है जारगुताई ऐसे कैसे कर सकता था, उसने हमें खुद से मानूस कर लिया था और बोरान वो तो हर वक्त उसके लतीफ़े सुनाता रहता था। बाला कहती है जारगुताई आइगुल का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, वो बहुत परेशान होगी। इसी दौरान मलून खातून सामने से आती है और बाला से कहती है मैं उस्मान साहिब को तलाश कर रही हूँ। बाला कहती है वो कबीले में नहीं है। मलून कहती है ठीक है मैं उस मंगोल का जायज़ा लेकर आती हूँ। बाला मलून को रोकते हुए कहती है मलून खातून आप फिर अपनी मर्ज़ी पर चल रही हैं। मलून बाला के करीब होते हुए कहती है वाहिद शख्स जो जानता है कि तोगाई कहाँ है वो यही मंगोल कुत्ता है और आप लोग अभी तक उसका मुँह नहीं खुलवा सके, अब जो आप नहीं कर सके वो मैं करूँगी। बाला कहती है वो फरार हो गया है। ये सुनकर मलून हैरानी से पूछती है ये तुम क्या कह रही हो बाला। बाला कहती है मुझे घूरना बंद करो। मलून कहती है अगर उस्मान साहब यहाँ होते तो मैं उनसे बात करती, तुम लोग तो एक कैदी को भी नहीं संभाल सकते। दूसरी तरफ तोगाय के डेरे का मंजर दिखाया जाता है। तोगाय ने अपने सामने खून का एक बर्तन रखा हुआ था और तोगाय का ढोल वाला आदमी ढोल बजाकर रक्स कर रहा था। इसी दौरान सोजी जारगुताई की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वहां लाता है। वहां पहुंचकर सोजी जारगुताई की आंखों से पट्टी उतार देता है और इसके बाद वो दोनों घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तोगाय का खास आदमी सोजी से पूछता है मुझे बताओ ये आवारा कुत्ता कौन है और तुम काइयों की कैद से कैसे फरार होने में कामयाब हुए। सोजी कहता है मेरे खूनी भाई जारगुताई ने मुझे उस्मान के कबीले से बचाया। जारगुताई तोगाय को बताते हुए कहता है मैं बालगाय का पुराना कमांडर जारगुताई हूँ। तोगाय का आदमी कहता है बालगाय मर गया मगर तुम क्यों नहीं मरे जारगुताई। जारगुताई कहता है उस्मान से इंतकाम लेने के लिए मैंने अपनी रूह अली खान को नहीं दी, मैं उस्मान के कबीले में उसे धोखा देता रहा। चूँकि अब काराशमन तोगाय वापस आ चुका है तो मैं उसके शाना बशाना लड़ने वापस आया हूँ। जारगुताई कहता है मैं जानता हूँ कि उमर साहिब अपने खेमे कहाँ बात करेंगे, अगर हमने अभी सांपों का सर ना कुचला तो वो बहुत ताकतवर हो जाएंगे। तोगाय अपना सर उठाता है और कहता है मुझे गद्दारी की बू आ रही है। ये कहकर तोगाय जारगुताई और सोजी के पास आ जाता है और उन दोनों को सूंघने लगता है। यहाँ पर इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है।